सत्रीकाल बहनों, मैं रजनी गहलोत बाऊराव देवरथ सरस्वती विद्या मंदिर से आज आप सभी के सामने गुरु गोविंद सिंह से के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी के लिए गुरु गोविंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। 1,25,000 से एक लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज तोड़ाऊं तभी गोविंद सिंह कहलाऊं, ऐसे महान शब्दों को बोलने वाले गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1966 में पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इनका जन्म पटना साहब में हुआ था और ये हमारे देश के 10वें गुरु थे। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था जो कि 9वें गुरु माने जाते, सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। इनकी माता का नाम गुजरी देवी था। हम ऐसी माता को गुजरी देवी जिनका नाम है उनको शशत प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। गुरु गोविंद सिंह की जयंती को हम प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाते हैं। इनकी जयंती पर इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी पटना में ही उन्होंने तीर कमान चलाना सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना में ही प्राप्त की थी और बचपन से उन्हें शौक था युद्ध का, नाटक करने का, मतलब बनावटी युद्ध किया करते थे, ये खेल किया खेला करते थे। जैसे बच्चों को शौक होता है, कुछ लोग गन चलाते हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, इन्हें किस बात का शौक था, ये नाटक किया करते थे, युद्ध जैसे युद्ध आर्टिफिशियल बनावटी युद्ध किया करते थे बच्चों के साथ। और इनकी इन गुणों के कारण बच्चे उनको सरदार मानने लगे थे। बचपन में ही इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जैसे फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ब्रज आदि भाषाओं का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। नवंबर 1675 में औरंगजेब ने इनके पिता गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया था, उनका सिर कलाम कर दिया था उनके शरीर से। और तब से, और उस समय इनकी आयु सिर्फ 9 वर्ष थी। 9 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्हें अपने पिता की राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह एक वो महान गुरु थे जिन्होंने अपनी न केवल अपनी पत्नी बल्कि अपने बेटों को भी बलिदान कर दिया था। इनके 2 बेटे जो कि कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए, उन्होंने औरंगजेब ने उनको दीवार में चिनवा दिया था, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह बहुत ही निडर और बहादुर योद्धा थे। उनकी बहादुरी का अंदाजा आप इस दोहे से लगा सकते हैं जो उनके बारे में लिखा गया है। 1,25,000 से एक लड़ाऊं चिड़ियों से तो मैं बाज तड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। मतलब वो अपने आप को इतना शक्तिशाली मानते थे कि उनके आगे बड़े से बड़े शत्रु भी टिक नहीं पाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ ही कवि और दार्शनिक भी, न केवल वो गुरु थे बल्कि कवि और दार्शनिक भी थे। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो आज के दिन जगह जगह गुरुद्वारे में दोहराई जाती हैं। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने हर सिख के लिए 5 कृपाठ बताए थे जो थे श्री साहब धारण करना, मतलब उन्होंने अनिवार्य कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की खालसा वाणी दी थी जिसे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह कहा जाता है। उन्होंने ही सिखों के लिए 5 कंकार अनिवार्य किया जिसमें सिखों के लिए केस, कृपाण, कंघा और कच्छ धारण करने का रिवाज बनाया। हर सिख के लिए ये धारण करना अनिवार्य कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह बहुत ही निडर और बहादुर योद्धा थे। उनकी बहादुरी का अंदाजा जैसे कि हम पहले लगा चुके हैं, उन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ते हुए पूरे परिवार को बलिदान कर दिया था। उनके 2 बेटे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। वहीं अन्य 2 बेटे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहद के नवाब ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था, जो कि हमने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी किस तरीके से उनको चुनवाया गया था। अक्टूबर 1708 को उनकी ज्योति ज्योत समा गई, यानी इस दिन इस महान पुरुष ने वीर गति प्राप्त की। इससे पहले उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब की अब से सिखों के स्थाई गुरु होंगे, मतलब उन्होंने गुरु की प्रथा को समाप्त कर दिया और ग्रंथ साहब को ही गुरु माना।
सिख जो हैं अब गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु मानते हैं। उसके बाद ये जो गुरु प्रथा चली आ रही थी, यानी गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें और आखिरी गुरु थे सिखों के, उन्होंने कहा था कि जहाँ 5 सिख एकत्र होंगे वहीं वे निवास करेंगे। पंच इनके जो पंच प्यारे थे उनसे संबंधित एक कथा है कि एक बार सभा में उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मतलब अपना बलिदान देना चाहता है वो खड़ा हो जाए। तो इस तरीके से एक एक करके पूरी सभा में से सिर्फ 5 व्यक्ति जो थे वो खड़े हुए थे, जिन्होंने जो जिन्हें की एक एक करके क्रम से वो अपने टेंट के अंदर ले गए। और जब वो जब पहले व्यक्ति को ले गए तो जैसे ही वो टेंट के अंदर जाते थे उसके बाद उससे रक्त की धारा बहने लगती थी बाहर। तो सबको लगा कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने जो व्यक्ति बुलाए हैं उनका सर कलम कर दिया, क्योंकि वो बाहर आकर कहते थे कि अभी भी मेरी तलवार जो है खून से सनी तलवार लाते थे, कहते थे अभी भी मेरी तलवार खून की प्यासी है, कौन व्यक्ति है जो आएगा और अपने प्राणों को नशावर करेगा। तो इस तरीके से 5 जो व्यक्ति आए वही उनके पंच प्यारे कहलाए। थोड़ी देर बाद उनको वो जो गेरुए वस्त्र में लेकर उनको बाहर लेकर आए और उन्हें अपने पंच प्यारे घोषित कर दिया था। तो ये हम पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे थे जिन्होंने शहादत प्राप्त की उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। ये उनके पंच प्यारे हैं जिन्हें वो अपना जहाँ भी 5 व्यक्ति होते थे वो उनको पंच प्यारे फिर पुकारने लगे थे। गुरु गोविंद सिंह के कुछ उपदेश हैं जो मैं आपको बताऊंगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कभी डरना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें डरना चाहिए ना ही डराना चाहिए। और इससे संबंधित उन्होंने कहा है, मैं काबू को देत नहीं नहीं वह मानत आन, कि ना तो मैं किसी को डराता हूँ और ना ही मैं खुद डरता हूँ। मतलब हमें किसी से डरना नहीं चाहिए ना ही किसी को डराने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु जी के जीवन दर्शन था कि धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है, सत्य की हमेशा जीत होती है, इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्यों को इसलिए जन्म दिया है ताकि वे संसार में अच्छे कर्म करें और बुराइयों से दूर रहें। तो हमेशा मनुष्य को अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए और बुराइयों को दूर करना चाहिए और उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए जो हमें सही राह दिखा सके, हमें भगवान तक पहुँचने का रास्ता बता सके। मनुष्य का मनुष्य से प्रेम ही ईश्वर की भक्ति है, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने अपने उपदेश में कहा कि हमेशा हमें अपने जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। हमें गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों का पालन करते हुए हमेशा उन्हें अपने जीवन में उनको अपनाना है। और हम इन्हीं उपदेशों के साथ आप सभी को गुरु गोविंद सिंह की शत शत बधाइयां देते हैं। धन्यवाद भैया बहनों, नमस्कार।